नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बरेली की प्रमुख खबरों पर। बरेली की आज की प्रमुख खबर लॉ की छात्रा से गैंगरेप से जुड़ी हुई है। जी हां, लॉ की छात्रा ने आरोप लगाया है कि मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी ने उसके साथ में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। गुलफाम रजा कादरी जो कि तकरीरें देता है और उससे प्रभावित होकर जो छात्रा है वो उनके पास गई थी, कुछ धर्म से रिलेटेड उससे जानकारी लेनी थी, लेकिन इसी बीच उसने उसको अपनी बातों में फंसा लिया और उसके बाद उसको एक मदरसे में ले जाने की बात कही, जिसके बाद गाड़ी में बैठाकर वो उस छात्रा को एक मदरसे में ले गया और उसको फिर नशीली चीज देकर बेहोश कर दिया, जहां पर गुलफाम रजा कादरी और उसके ड्राइवर ने दोनों ने बारी बारी से लॉ की छात्रा के साथ में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसने फर्जी निकाह भी कर लिया। अब उसने ये भी धमकी दी है कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वो उसको जान से मार देगा, जिसके बाद छात्रा काफी डरी सहमी हुई है और उसने इस मामले की शिकायत बरेली के एसएसपी अखिलेश चौरसिया से की है। अगली खबर 9वीं क्लास की छात्रा की आत्महत्या से जुड़ी हुई है। दरअसल बारादरी के दुर्गा नगर में रहने वाले अशोक गंगवार ने आरोप लगाया है कि वो पिछले लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से वो स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए, जिस वजह से उनकी जो बेटी है साक्षी 14 साल की 9वीं क्लास में पढ़ती थी, स्कूल प्रबंधन ने उसको एग्जाम नहीं देने दिया, जिस वजह से आहत होकर आज उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं छात्रा की मौत से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगली बड़ी खबर दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। जी हां, बरेली के इज्जत नगर इलाके में हाईस्कूल के दो छात्र एग्जाम देने के लिए स्कूटी से जा रहे थे, इस दौरान तेज रफ्तार बस ने स्कूटर में टक्कर मार दी, जिससे एक हाईस्कूल के छात्र अंशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया है। होली पर घर में जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे घर में मातम छाया हुआ है। बरेली की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।